हाय फ्रेंड्स, मु दमयंती महंत मो यूट्यूब चैनल को आपण मानको स्वागत। एबे मु आलोचना करबी प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर द्वितीय यूनिट। आज मु आलोचना करबी द्वितीय यूनिट रो मध्ययुगीय ओडिया साहित्य। मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन, मध्ययुगीय काव्य रो ओडिया भाषा किपरि प्रचलित थिला ताहा आलोचना कर। मध्ययुगीय ओडिया काव्य रे ओडिया भाषा किपरि प्रचलित थिला। प्रथमे आमे लिखिबा सप्तदश शताब्दीर आद्यरु ऊनविंश शताब्दीर आद्यपाद पर्यंत समय साधारणतः ओडिया साहित्यरे रीतिजुग बा मध्ययुग भाबे परिचित। एटा मन रखिबा, सप्तदश शताब्दीर आद्यरु ऊनविंश शताब्दीर आद्य पर्यंत मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रो युग बोली आमे कहिथाउ। एही समय रे कविगण संस्कृत साहित्य को आदर्श रूपे रखी साहित्य रचनारे निपुण होइथिले। केउं साहित्यक ना संस्कृत साहित्यक आदर्श रूपे रखी करे आमे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंक भाषा पढ़िबा। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज किपरि लेखिथिले, असाधारण शब्द पांडित्यर अधिकारी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तांको काव्य मानंकर ध्वनि अक्षर ओ शब्दर अभुदय जादू देखाई पारिछंती। तेणु तांको विजय चंद्र मजुमदार शब्दर जादूकर एहिपरि अनेक काव्य कविता रहिछि। वैदेहिक विलास काव्य अमूल्य आमूलचूड़ ब आद्य अक्षर नियमरे ओ सुभद्रा परिणय स आद्य नियमरे रचित कला कौतुक क आद्य नियमरे। माने तांकर वैदेहिक विलास काव्यरे जेतिकि पद अछि सबु पदर मूल अर्थ मूल शब्द होछि ब सुभद्रा परिणय रे स अकला कतरे क। एडा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर मध्य पड़ी थाए। अवना रस तरंग अवना अक्षर नियम रे रचना करा जाइथिबार प्रकृत रे प्राकृतिरु अभ्युदय होइथाए। सुभद्रा परिणय रे से सुभद्रांक विषय रे रचना करिसेंती। तापरे खरे काव्य काव्य जुगर तो ओडिया भाषा रे रूप काव्य जगतर ओडिया भाषार रूप कौन थिला से समय रे। संस्कृत साहित्यर आदर्श ग्रहण करी तत्सम शब्दर बहुल प्रयोग रे काव्य जुगर कवि माने जेउ काव्य निर्माण कले ताहा अल्प संख्यक विदग्ध पाठकंक भितरे ही सीमाबद्ध रहीगला ओ विपुल संख्यक जनतार दूरेई गला। से समय रे काव्य कविता बहुत विदग्ध पाठक भितरे सीमित होई रहीगला एवं साधारण जनता पाखरो दूरेई गला। गोरे कवि सूर्य बलदेव रथंक से किपरि काव्य रचना करथिले ताहा देखिबा। से रचना करथिले खुआ दंड छुआ क्षीरें सुआद थाए कि आउ तुआई तुआई तुट देउथिले लुहा कि होइब सुना। एहिपरि सरल भाषा प्रयोग रे कवि सूर्य निपुण थिले हें भंज काव्य रीतिरु निजकु मुक्त करि पारि नाहांती। एहिपरि से बहुत सरल ओ खांटी तत्सम शब्द ओ प्रचुर तद्भवदेश शब्द व्यवहार करि काव्य रचना करथिले। तापरे गोरे कवि सूर्य बलदेव रथ सैला एबे गोरे ब्रजनाथ ब्रजनाथ जेनांक भाषा ब्रजनाथ जेना किपरे लिखिथिले। ब्रजनाथ बड़जेना प्रायतः काव्य कवितार भाषा आधुनिक ओडिया भाषार निकटतम। से आधुनिक ओडिया भाषार निकटतम। एथिरे रीतिजुगीय क्लिष्टता आलंकारिक परोक्षता ओ कृत्रिमता देखा जाए नाही। तांको रचनारे ब्रजनाथंक रचनारे रीतिजुगीय क्लिष्टता देखा जाए नाही एवं अति अलंकार मध्ये तांको जे कविता गुडी को लेखिथिले काव्य कविता सेतिरे अति कष्ट मध्ये नथाए ओ बहुत अलंकारिक नथाए बुझा पड़ी जाए ना शीघ्र आमे बुझी पारिबा। उदाहरण नुआ गाँ मते दिया होइछि जे जुग जुगांत पड़िया बाघ पुओ तोही साक्षात जन्माए प्रभु जाने अच्छ ताहार जे। तापरे आमे आसवा भक्त कवि गोपाल कृष्ण
भाषा। भक्त कवि गोपाल कृष्ण से समय रे किपर काव्य कविता लिखी थे। ललित तो सृष्टिकर्ता भावे केवल गोपाल कृष्ण परिचित नुहंती, बरं जनतार प्रतिनिधि भावे से परिचित। से लिखिछंती कौन, एड़े भाग्य मोर हे कि हेबि वृंदावनेश्वरी सेबिकी, उठिलु एड़े बेगे काहीकि रे दुखी धन दधि मंथाई देबु नाहीकि रे। इटा आम आगर पूर्व श्रेणी रु भी पढ़ीचु। काव्य कवित क्लिष्टता न थाए, अति सरल थाए। तापरे भक्त कवि बनमाली दा, भक्त कवि बनमाली को भाषा से किपरी काव्य कविता रचना करथिले। भक्त कवि बनमाली मुख्यतः जनतार कथित भाषार शब्द चयन करथिले, माने जनता जो कथित भाषा तार शब्द रे से काव्य रचना करथिले। जथा एही ओली श्रीछामुरे दिन बंधु, एही ओली श्रीछामुरे श्रीरंगा चरण सेवारे ममन रही थाउ निरंतर। एटा भी आम पूर्व पढ़ीचु। तांको काव्य कवितार मध्य क्लिष्टता और छंदता नथिला, सरल साबलील थिला। तापरे भक्त चरण दास ना कविसूर्य बलदेव रथ, कविसूर्य बलदेव रथ भी तांको कवितार मध्य क्लिष्टता नथाए, अति सरल बुझिबापाई। उदाहरण स्वरूप तुहाई तुहा पटु देउथिले लुहा कि होइब सुना, दुई भाग फूल पादे मोर जिले मदे लभे सिना ओकिरती। माने तुहाई तुहाई फुटु फुटो देउथिले होइब कि सुना, माने धीरे धीरे करी आमे जदि देउथिबा लुहाटा कौन सुना ही जीव, से ही लुहा रे ही रहिबो, से केबे सुना रे परिणत होबो नाही। तापरे हमें भक्त चरण दास, भक्त चरण दास जने जनप्रिय काव्यकार भाव परिचित। तांको श्रेष्ठ कृति होउची मथुरा मंगल, एटा मन रखिथबे। तांको श्रेष्ठ कृति कौन थिला ना मथुरा मंगल। से मध्य अति सरल भावे रचना करथिले। तांको रचित रचना गुड़िक मध्य क्लिष्ट नुहे। से तांको काव्य कविता रे भाषा मार्जित और सरल काव्य मध्य रे अल्प केतक स्थान रे कवि आडंबरपूर्ण और शब्दालंकार प्रयोग करिसंदि। से तांको काव्य कविता रे अल्प केतक शब्दालंकार प्रयोग करिसंदि। आजर आलोचना एति शेष करुच्ची। जदि भिडियो भल लगी तेल लाइक शेयर कमेंट करेंगे। नमस्कार।